वहीं चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने भी अपने चुनाव की तैयारियों को धार देने की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस इस बार बड़े स्तर पर प्रशिक्षण अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को चुनावों के लिए मजबूत करने में जुटी हुई है। 70 विधानसभाओं के सभी बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अभी तक कांग्रेस 25 विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण अभियान पूरा भी कर चुकी है और जल्द ही 45 विधानसभा में प्रशिक्षण कर कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार किया जाएगा। हर पोलिंग बूथ से हमारे यहाँ 5-5 व्यक्तियों को 5-5 कार्यकर्ताओं प्रशिक्षित कर रहे हैं, उसमें BLA भी हैं और बूथ कमेटी का अध्यक्ष भी है, बूथ कमेटी के अन्य पदाधिकारी भी हैं। वो हम उन यहाँ से उनको प्रशिक्षण एक स्तर पर दिया जाएगा, उसके बाद वो अपने बूथ स्तर पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे कि वे किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट करना है, बूथ मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था रहेगी उसमें करेंगे। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे, आज हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे। गोपाष्टमी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार में कृषि मेले में भी वो शिरकत करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। तो गोपाल अष्टमी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आज सीएम का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी हाँ, देखिए आज सीएम के प्रमुख 4 कार्यक्रम हरिद्वार में होंगे। अभी मुख्यमंत्री खटीमा में मौजूद हैं और खटीमा से सीधे वो हरिद्वार में आएंगे। 11:30 बजे खटीमा में चलेंगे और तकरीबन 12:15 बजे करीब वो हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार की ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कृषि मेले में वो पहले शिरकत करेंगे 12:30 बजे, उसके बाद वो सिडकुल में जाएंगे और संस्कृति विश्वविद्यालय भादराबाद में भी शिरकत करेंगे। सिडकुल में 2-3 कार्यक्रम उनके हैं, वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उनका शिलान्यास करेंगे। उसके बाद जो HRDA है हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा भी कुछ काम किए गए हैं उनका शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये 4 कार्यक्रम आज हरिद्वार में रहने वाले हैं। 4:30 बजे तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में ही रहेंगे, उसके बाद वो सीधे देहरादून आएंगे और देहरादून में लगभग 6 बजे तक वो शासकीय कार्यक्रम निपटाएंगे। उसके बाद 7 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। तो आज मुख्यमंत्री का पूरा दिनभर का व्यस्तम कार्यक्रम है। ये मुख्य रूप से हरिद्वार में आज कार्यक्रम रहेगा। हरिद्वार की 3-4 विधानसभाएं जो हरिद्वार में पड़ती हैं उनमें वो शिरकत करेंगे और वहाँ पर तमाम कार्यक्रमों में जो कार्यक्रम हुए हैं, जो पिछले विकास कार्य हुए हैं उनका शिलान्यास करेंगे। सांस्कृतिक विश्वविद्यालय भादराबाद में भी वो शिरकत करेंगे, वहाँ पर भी वो एक कार्यक्रम होने वाला है। उसके बाद सिडकुल में भी कार्यक्रम है जहाँ पर HRDA द्वारा कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, कुछ काम किए गए हैं उनका शिलान्यास करेंगे। तो हरिद्वार में बेहतर उनके बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसके बाद वो देहरादून आएंगे 4:30 बजे और शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक में शिरकत करेंगे। जी